हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त देश की सेहत कैसी है, सबसे महत्वपूर्ण देश का हेल्थ बुलेटिन आपके सामने। कि एक वेब पोर्टल क्रिएट किया जाए जिसमें लोग कोविड संबंधित फैक्चुअल पोजीशन को वेरीफाई कर सकें, कोई भी अनवेरीफाइड न्यूज है तो उसके बारे में भी अपने डाउट्स क्लियर कर सके। इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने एक्सपेडिशियसली एक फैक्ट चेक यूनिट कॉन्स्टिट्यूट किया है जिसे एक डायरेक्टर जनरल हेड करेंगे। लोग इस यूनिट में ईमेल द्वारा और बाकी सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। इस की ईमेल आईडी आई एम श्योर ऑल ऑफ यू वुड बी अवेयर, बट इट इज PIBFactCheck@gmail.com। होम सेक्रेटरी ने सभी चीफ सेक्रेटरीज को भी रिक्वेस्ट किया है कि वे एक ऐसा मैकेनिज्म स्टेट लेवल पे भी इस्टैब्लिश करें जिससे कि स्टेट से रिलेटेड जो लोगों के डाउट्स हैं या क्वेरीज है वो रिजॉल्व की जाए। आपको तबलीगी जमात वर्कर्स के बारे में भी थोड़ा सा अपडेट देना चाहूंगी। स्टेट्स और यूटीज के साथ मिलकर के होम मिनिस्ट्री ने एक मैसिव एफर्ट लॉन्च किया था और टीजे वर्कर्स और उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स करीब 9,000 ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है और क्वारंटाइन में प्लेस किया गया है। इन 9,000 लोगों में से करीब 1,306 लोग फॉरेनर्स हैं और बाकी इंडियंस हैं और इस पे संपूर्ण रूप से कार्रवाई चल रही है। जो लगभग टीजे मरकाज दिल्ली में करीब 2,000 टीजे वर्कर्स थे जिसमें करीब लगभग 250 फॉरेनर्स थे, उनमें से 1,804 टीजे वर्कर्स को क्वारंटाइन सेंटर्स में शिफ्ट कर दिया गया है और जो 334 लोग सिम्टोमैटिक पाए गए थे उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है। धन्यवाद। हेल्थ मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन, आप सबकी दृष्टि में लाने के लिए कल से आज तक 328 नए केसेज आए हैं और 29 स्टेट में कुल मिलाकर टोटल 1965 कंफर्म केसेस पाए गए हैं। उसमें अगर हम देखें तो टोटल 50 डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें कि कल से आज तक में 12 नई डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं। पॉजिटिव न्यूज ये है कि अब तक 151 पीपल 151 लोग रिकवर भी हो चुके हैं। जैसे कि मेरे कुलीग ने आपको बताया, कल कैबिनेट सेक्रेटरी साहब ने सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज और डीजीपीज के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू तबलीगी जमात पार्टिसिपेंट्स की कंप्लीट इंटेंसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और साथ ही वार फुट मेजर्स में कंटेनमेंट प्रोसेस के लिए कार्य करने के लिए उनसे सबसे कहा था। इस क्लस्टर से जुड़े हुए मामलों से का हमें पता लगा था तेलंगाना के थ्रू और उसके बाद जब यहां के लोग डिफरेंट स्टेट्स में गए, जैसे कि अंडमान निकोबार, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, असम और उत्तर प्रदेश, तो वहां से जब केसेस की और डिटेल आई तो उसके तहत हम लोगों ने इंटेंसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सैम्पलिंग का प्रोसेस शुरू किया। अब तक इन राज्यों से करीब 400 पॉजिटिव केसेस आइडेंटिफाई हो चुके हैं जिनकी की एपिडेमियोलॉजिकल लिंकेज इस क्लस्टर से पाई जा चुकी है और इसके साथ ही एडिशनल टेस्टिंग भी चल रही है जिससे हमें लगता है कि शायद और कुछ पॉजिटिव केसेस इस क्लस्टर से लिंक पाए जा सकते हैं। अब तक की इन्फॉर्मेशन के अनुसार तमिलनाडु से 173 लोग, राजस्थान से 11, अंडमान निकोबार से 9, दिल्ली से 47, पुडुचेरी से 2, जम्मू कश्मीर से 22, तेलंगाना से 33, आंध्र प्रदेश से 67 और असम से 16 ऐसे पॉजिटिव कंफर्म केसेस पाए गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया है, ये नंबर और बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे केसेस सैंपलिंग की रिपोर्ट आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार, जैसे मेरे कुलीग ने बताया है, ऑलरेडी सेक्रेटरी होम साहब फेक न्यूज के बारे में स्टेट्स को लिख चुके हैं, उसी के तहत सुप्रीम कोर्ट के उन्हीं आदेश अनुसार टेक्निकल डिटेल्स ताकि सही सूचना लोगों को मिल सके उससे संबंधित हम लोगों ने भी एक जॉइंट सेक्रेटरी और एम्स के डॉक्टर से मिलते हुए एक ग्रुप बनाया है, एक ईमेल आईडी क्रिएट की है जिसका एड्रेस है technicalquery.covid19@gov.in, जिस पर कि लोग अपने टेक्निकल डाउट जो है उसके बारे में गाइडेंस ले सकते हैं और उसके तहत ही सुबह की इंफॉर्मेशन के हिसाब से करीब 900 लोगों ने उसमें ईमेल्स भी लिखी है जिसका अब हम एनालाइज करके उनको सही गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ ही
एक और गाइडलाइन पर्टिकुलरली, जैसे कि आप सबको अवगत है कि किडनी केसेस के रिलेटेड एक कोमॉर्बिड कंडीशन देखी गई है, तो किडनी केसेस में जो लोग डायलिसिस कर रहे हैं उनको क्या प्रिकॉशंस लेनी है, उनको क्या गाइडेंस फॉलो करनी है, उससे संबंधित गाइडलाइंस भी हम लोगों ने बनाते हुए अपनी वेबसाइट पर उन पेशेंट्स की गाइडेंस के लिए जारी कर दी है। इसके साथ ही जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश थे कि जितने भी हमारे रिलीफ कैंप हैं जहां पर कि हमारे माइग्रेंट वर्कर्स जो है हाउस्ड हैं, उनको प्रॉपर साइकोलॉजिकल साइकोसोशियल सपोर्ट मिले, उसके तहत आदेश जारी करने के साथ साथ घर में रहने वाले जो हमारे एल्डरली हैं और इसके साथ ही जो हमारे बच्चे हैं उनको भी एंग्जाइटी और स्ट्रेस से निपटने के लिए क्या पब्लिक मेजर्स उन्हें लेने चाहिए उसकी भी गाइडलाइंस हमने इशू की हैं। इसके साथ ही जब हम ये सब लॉकडाउन से रिलेटेड एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत एसेंशियल कॉमोडिटीज की सप्लाई के तहत फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 24 मार्च से लेकर अब तक 352 रेक्स जिसमें कि 9.86 लाख मेट्रिक टन ऑफ फूड ग्रेन राइस और वीट को ट्रांसपोर्ट किया है देशव्याप्त तक, और इसके साथ ही फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 5 किलो प्रति मंथ प्रति बेनिफिशियरी जो हमें राशन देना होता है उसके लिए फूड कॉरपोरेशन पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है। इसके साथ ही आने वाले 3 महीनों के लिए जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था कि प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81.35 करोड़ लोगों के लिए भी 5 केजी पर मंथ पर बेनिफिशियरी की अतिरिक्त मांग को पूरी करने के लिए फूड कॉरपोरेशन पूरी तरह से तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की, उन्होंने राज्यों को COVID-19 की रोकथाम के लिए कुछ सुझाव भी दिए। उन्होंने राज्यों को जिलों के स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट के प्रोसेस के रूप में कार्य करने को कहा। उन्होंने राज्यों से कहा कि अब हमारा फोकस टेस्टिंग, आइसोलेशन और क्वारंटाइन फैसिलिटीज पर रहे। राज्यों से उन्होंने हेल्थ केयर ह्यूमन रिसोर्स को अपग्रेड करने के लिए फ्रंटलाइन वर्कर की ऑनलाइन ट्रेनिंग और इसके साथ ही रिटायर्ड जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर से हों चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से हों, और हमारे जो पब्लिक स्पिरिटेड लोग होते हैं जो हमारे कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं, एनजीओज हैं, हमारे एनएसएस के वॉलेंटियर्स हैं, एनसीसी के जो वॉलेंटियर्स हैं, उनको भी इन्वॉल्व करके हर तरीके से एक फोर्स बनाई जाए फील्ड स्थाई पर, उसके लिए भी उन्होंने स्टेट से अनुरोध किया है। राज्यों ने बताया कि लॉकडाउन से संबंधित सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स और एनहांस सर्विलेंस राज्यों में एक बड़े फोकस वे में कार्य हो रहा है और विशेष रूप से माइग्रेंट वर्कर्स और जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स हैं उनका प्रॉपर फॉलोअप, उनकी सर्विलेंस और उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का कार्य बड़ी एक पकड़बंदी की तरीके से काम कर रहा है। राज्यों ने यह भी कहा है कि वह जैसे कि आदेश दिए गए हैं वो सुनिश्चित कर रहे हैं कि रिलीफ कैंप में साइकोसोशल सपोर्ट भी हो और एसेंशियल सप्लाईज प्रॉपर तरीके से सारे स्थाई पर उनको उसको प्रोवाइड किया जाए, उसके लिए राज्य लेवल पर काम चल रहा है। राज्यों से इसके साथ ही डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स, ICU बेड्स, क्वारंटाइन फैसिलिटीज, वेंटिलेटर्स और पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट के विषय पर भी डिटेल चर्चा आज हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों से एक चीज कही जो मैं आप सबको अवगत करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि चाहे हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा अलग अलग बात कर रहे हैं लेकिन सामूहिकता ही हमारी शक्ति है। उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से ये केसेस अभी रिपोर्ट हो रहे हैं उससे हमें मानना चाहिए कि इस महामारी से हमारी लड़ाई का जो युद्ध है वो अभी शुरू ही हुआ है और देश का हर नागरिक, हर गवर्नमेंट एम्प्लॉई एक सैनिक के रूप में अलर्ट रहते हुए इस लड़ाई को उसने लड़ना है। मानव जाति के इतिहास में आज तक ऐसा पूरा वर्ल्ड वाइड ऐसा संकट कभी देखा नहीं गया है और इस लड़ाई में हमें सभी का सपोर्ट आना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि शांति, एकता, सद्भावना और कानूनी व्यवस्था बनाए रखना अति आवश्यक है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज जरूरत है कि सभी विचारधारा, सभी आस्था के संबंधित लोग एक साथ जुटकर, मिलजुल कर इस लड़ाई को लड़ें, सभी धर्मों के जो लोग हैं वो मिलकर बैठें और अपने अनुयायियों को इस लड़ाई से बचने के लिए, इस लड़ाई से जीतने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग से संबंधित नियमों का पालन करने को कहें। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि चेन ऑफ ट्रांसमिशन टूटे और साथ ही जो ये 21 दिन का जो आइसोलेशन की जो हमारी तपस्या है, हम कोई भी ऐसा कार्य ना करें कि जिससे हमें इस तपस्या का फल ना मिले। हमें कलेक्टिवली इस लड़ाई से यशस्वी होकर बाहर निकलना है। एंड इन द एंड आई वुड लाइक टू जस्ट रिटेट एंड रिक्वेस्ट कि लेट अस कलेक्टिवली टेक दिस बैटल एंड डिलीवर ऑन द विजन ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर
एंड आर कलेक्टिव मिशन टू विन दिस वॉर. थैंक यू. धन्यवाद. तो देश का हेल्थ बुलेटिन आपने सुना. 328 नए मामले पिछले 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव केसेस के सामने आए हैं. अब तक देश में 50 लोगों की मौत हो चुकी है. 24 घंटे में पिछले 12 लोग जिनकी मौत हुई है. हर सुबह कीजिए दिन की परफेक्ट शुरुआत खबरों के साथ, क्योंकि यहाँ खबरें काम की और कहानियाँ कमाल की. देखिए नमस्ते भारत सुबह 6 बजे से 10 बजे तक एबीपी न्यूज़ पर.